हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मेरे पास 24 इंच का टीवी है और जो आपके सामने है, और इसमें प्रॉब्लम नो डिस्प्ले है, पिक्चर नहीं आ रही है, बैकलाइट बिल्कुल ओके है दोस्तों। और मैं इसको अभी ऑन करूंगा, पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूं, उसके बाद आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपका भी टीवी में सेम प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी रिपेयरिंग का वीडियो आता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, मतलब कि बैकलाइट बिल्कुल ओके है, पिक्चर नहीं आ रही है। तो इसमें फॉल्ट को कैसे फाइंड करेंगे कि कॉफ ख़राब है या नहीं है, या स्केलर ख़राब है, पीसीबी ख़राब है? तो टोटल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इनोलॉक्स का पैनल आप देख सकते हो, ये इनोलॉक्स का है 24 इंच का दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक एक फॉल्ट अभी बताने वाला हूँ, जैसे कि इसका वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है, या कॉफ ख़राब है, ये टोटल मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया और यहाँ पर हमें क्या चेकिंग करना है, वोल्टेज को। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मीटर को ग्राउंडिंग में पहले कर लेता हूँ, और उसके बाद जो वोल्टेज होता है वो बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान से देखना होता है एलईडी टीवी रिपेयरिंग में। और आप अगर वोल्टेज चेक करना सीख गए अगर, तो आप एलईडी टीवी को फुल रिपेयर करना मानो कि सीख गए, कहाँ कितना वोल्टेज बनता है ये आपको आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वोल्टेज से। अगर आप घर से भी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लास्ट तक देखना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप भी। और यहाँ पर आना चाहिए 12 वोल्ट। तो ये जो फ्यूज लगी हुई है और जो बार मदरबोर्ड से इन हो रही है, यहाँ पर 12 वोल्ट देख सकते हो, बिल्कुल ओके आ रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आगे का वोल्टेज चेक करेंगे आप, तो ये डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों, इसको हम डीसी टू डीसी बोलते हैं, जो कि बूस्ट करती है या वोल्टेज को जो आती है, या जो 28 वोल्ट और जो 24 वोल्ट, और ये पिक्चर आईसी है दोस्तों इसमें, ठीक है। और पिक्चर डीसी टू डीसी दो आईसी आपको दिख गया होगा इसके अंदर, और बहुत सारा रेजिस्टेंस और कंपोनेंट लगे होते हैं। तो अगर आप एलईडी टीवी रिपेयर सीखना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना, और अगर आप कोई फॉल्ट के लिए जानना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। तो देख सकते हो यहाँ पे 0.0.0 वोल्टेज बन रही है इस वाले पॉइंट पे। और पीछे का वीजीएच जो आता है दोस्तों, यहाँ पे वीजीएच पीछे साइड इस पीसीबी में नहीं मिलेगा, वीजीएच आपको मिलेगा इस पॉइंट पे। तो वहाँ पे देख सकते हो एक लाइन आ रही है पतली सी, वहाँ पे वीजीएच लिखा हुआ है। कैमरा को थोड़ा ब्लर हो रहा है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। और जस्ट आपने लेफ्ट साइड में देखोगे जहाँ से बैठे रहोगे, तो ये पॉइंट जो है वहाँ पर वीजीएच 25 वोल्ट से 35 वोल्ट के लमसम में बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर अभी मेरा कितना बन रहा है मैं वो देख लेता हूँ। तो मेरा बन रहा है दोस्तों 0.0.0.0, मतलब वीजीएच वोल्टेज बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब फंडा है कि वीजीएच वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है तो कॉफ में भी, कॉफ शॉर्ट होता है तब भी नहीं बनता है, और स्केलर शॉर्ट होता है तब भी नहीं बनता है। तो इसमें ख़राब क्या है यही मुझे चेक करना है, कॉफ ख़राब है या स्केलर ख़राब है, और यहाँ पर वीजीएच जो वोल्टेज है वो क्यों ब्लॉक हो रही है। तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि वीजीएच वोल्टेज बहुत मेहनत करने के बाद आईसी डीसी टू डीसी सब चीज़ चेंज कर लेते हो और वीजीएच वोल्टेज तब भी नहीं बनता है, तो अंदर इंटरनल में जाता है, इंटरनल में कॉफ शॉर्ट होते हैं, उसके वजह से भी वीजीएच नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमें बनाना है, बस इसी पॉइंट को क्लियर करना है। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग चेक, जो कंपोनेंट कोई शॉर्ट तो नहीं है, हमें कंपोनेंट में क्या क्या शॉर्ट मिल रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मीटर से हम सारे कंपोनेंट को इजीली शॉर्ट चेक करेंगे, जितने भी कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं कंपोनेंट में उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर लेंगे, ये सारा हम चेक कर लेंगे। 24 इंच का टीवी है और आप मार्केट में ये बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी, इसको रिपेयर करना ईजिली सीख सकते हो आप। और मैं ऑन करके एक बार पिक्चर को दिखा देता हूँ आपको, मीटर को सेट कर लेता हूँ 12 वोल्ट पर। ग्राउंडिंग को फिट कर लिया, अब जो पॉइंट है यहाँ पे वीजीएच, ये वाली पॉइंट वीजीएच की, इस पर देखेंगे वीजीएच बन रही है या नहीं बन रही है। तो 0.0 अभी भी 0.0 दिखा रही है, ठीक है। और आपका ये मेमोरी आईसी है, ये भी कभी कभार ख़राब हो जाती है दोस्तों, ये मेमोरी आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज को हमें अभी भी ब्लॉक है, अभी भी नहीं बनी है वोल्टेज। हमें शॉर्टिंग चेक करना है अच्छी तरीके से। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या होता है ना कि आप बजिंग पे लगा के आराम से जितने भी कंपोनेंट है उसका शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ से शॉर्टिंग जितने भी है सारे कंपोनेंट को इजीली चेक कर सकते हो, ये कैपेसिटर कोई शॉर्ट तो नहीं है।
तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग दिख रही है, देख सकते हो पूरा शॉर्टिंग जैसा तीन तीन मीटर बज रही है। देखो जीरो 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 जीरो, तो ये शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट पे तो नहीं, लेकिन डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट लग रही है दोस्तों। ये जो देखो शॉर्ट शॉर्ट दोनों साइड बजिंग बज रही है, तो शॉर्ट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये डीसी टू डीसी आईसी पे हमें शक हो रहा है, तो मैं डीसी टू डीसी एक बार ओपन करूँगा और आगे का भी फॉल्ट मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें क्या क्या ख़राब निकला है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए मैं अच्छी तरह से इसको पहले अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। तो ये डीसी टू डीसी को मैं एक बार ओपन करके देखना चाहूँगा। देखो शॉर्टिंग मतलब 12 वोल्ट भी शॉर्ट हो रहा है दोस्तों, जितने भी वोल्टेज मतलब ट्रैक ही हमें लगा है, डीसी टू डीसी आईसी जो है वो आगे शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मेरा मैं मानना है कि एक बार मैं डीसी टू डीसी को ओपन करके देखना चाहता हूँ कि ये शॉर्टिंग हटता है या नहीं हटता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे रिपेयरिंग का तो हमारे चैनल पर आइएगा, और भी वीडियो मैं डालूंगा तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आप सबके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास, तो आप हमें ग्रुप में भी लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बंदे जुड़ सके हमारे साथ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिक्विड लगा लेता हूँ, पेस्ट जो होता है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और हॉट गन से इस आईसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा आईसी मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इस आईसी को भी ओपन करके चेंज करते हैं, क्योंकि डीसी टू डीसी दूसरा लगाया हूँ दोस्तों, तो ये क्या नाम है प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं ये वाला फिर से दूसरा लगा देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग आईसी है और मैंने वो चेंज किया था, इसकी वजह से हुआ था। तो मैं यहाँ प्रोग्रामिंग को लगा दिया हूँ। अब मैं जो वोल्टेज है उसको चेक करूँगा एक बार कि वोल्टेज वीजीएच बनी या नहीं बनी। तो एक बार टीवी को लगा के फिर से ऑन करूँगा इसको। मैंने डीसी टू डीसी के साथ ही प्रोग्रामिंग आईसी चेंज कर लिया, क्योंकि कभी कभार होता है ना डीसी टू डीसी लगाऊंगा ना और वर्जन अगर चेंज होता है पीसीबी का तो प्रोग्रामिंग काम नहीं करता है दोस्तों। तो मैं प्रोग्रामिंग को भी चेंज कर दिया यहाँ पे और अब मैं वोल्टेज यहाँ पे चेक करूँगा 25 वोल्ट बनती है या नहीं बनती है, 27 वोल्ट बन रही है, 25 30 कितनी बन रही है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ और देखता हूँ, बन तो चुकी है दोस्तों, बन गई वोल्टेज, दोस्तों बन गई वोल्टेज। एक बार मैं आपको दिखा दूँ वोल्टेज को, तो देख सकते हो 27 वोल्ट बन रही है दोस्तों, 25 से 27 वोल्ट के लमसम में यहाँ पे बनती है। तो अब ये देखो डीसी टू डीसी के साथ रैम चेंज किया और रैम सॉरी फ्लैश आईसी चेंज किया तो ओके डिस्प्ले में बन चुकी है। और मैं देखता हूँ कि पिक्चर बनी कि नहीं बनी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो उतना मुझे बोलने का वो नहीं है, ढंग नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी माफ़ी कर देना। मैं आगे से बहुत प्रैक्टिस करूँगा बोलने का आपको समझाने का। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके ही ऊपर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आप देखते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ, आपको हेल्प के लिए बनाते हैं। फॉल्ट निकाल निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ ये फॉल्ट कैसे सही कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ये डीसी टू डीसी और रैम ख़राब था दोस्तों और पिक्चर बिल्कुल हो गई ओके।